अब सवाल उठता है भैया कि मनी होता क्या। ठीक है, हम मनी एंड बैंकिंग कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि चलो मनी पढ़ते हैं, तो मनी क्या होता है? तो देखो, मनी इज एनीथिंग। सर क्या आप बात कर रहे हो सर, आप तो सर शुरुआत ही खराब कर रहे हो। सर आप कह रहे हो मनी इज एनीथिंग, जबकि हमें तो लगता है मनी इज एवरीथिंग। अच्छा, आजकल तो नहीं लग रहा, बट हाँ मनी इज एनीथिंग। अब एनीथिंग का मतलब क्या है कि मनी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मनी कैन बी दिस फैन जो ऊपर दिख रहा है आप लोगों को, और मनी कैन बी द चेयर एट विच आई एम सिटिंग। ठीक है, मनी कैन बी द एयर कंडीशन बिहाइंड मी, मनी कैन बी दिस बॉटल ऑफ सैनिटाइजर, मनी कैन बी दिस वॉच। ठीक है, किसी चीज को भी हम मनी मान सकते हैं। ठीक है, बट कब कब किसी भी चीज को मनी मान सकते हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उनके हिसाब से हम बताएंगे कि किन चीजों को हम मनी मान सकते हैं। विच इज जनरली यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब जब हम कोई ट्रांजेक्शन करें तो उस चीज को यूज कर सकें एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, की कोई भी ट्रांजेक्शन में उस चीज को हम यूज कर सकें, अगर उसके बदले कोई चीज मिल जाए तो वो मनी कहलाएगी। ठीक है, अच्छा जैसे कि मान लो, क्या कहते हैं, तुम अगर कोई सामान लेने जा रहे हो और मैं कह रहा हूँ पंखा मनी है, तो फिर पंखे दे के, जैसे आज कैश देते हैं तो पंखा देते हैं, जैसे हम एक एसी लेने गए तो हम 10 पंखे दे देंगे, हम लैपटॉप लेने गए हम 20 पंखे दे देंगे, हम गाड़ी लेने गए शायद हम 100-200 पंखे दे देंगे। अच्छा फिर बात आई कि अगर हम कोई छोटी चीज लेने जाते हैं, जैसे कि अगर मान लो हम ये सैनिटाइजर लेने जाते हैं तो क्या दें, पंखे का कंडेंसर या उसका एक विंग या आधा विंग या कुछ वायरिंग, तो ये दिक्कत आ गई। ठीक है, एट द सेम टाइम इट एक्ट एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। पैसों में सारी चीजों की वैल्यू निकाली जा सकती है। देखो तुम्हारे घर के आसपास, तुम्हारे जहां भी तुम बैठे हो आसपास जितनी भी चीजें हैं उन सबकी मॉनेटरी वैल्यू निकाली जा सकती है। जैसे मेरे सामने ये बॉटल पड़ी है तो इस बॉटल की वैल्यू मनी में निकल सकती है 600 रुपीज। ये फोन है, इसकी वैल्यू निकल सकती है 30-40 हज़ार रुपए। ओके, पंखा है, उसकी वैल्यू निकल सकती है 3,500-4,000 रुपए। ये हमारे बाबा रामदेव की गोलियां हैं, पतंजलि, ये 100 रुपए की हैं, इनकी मनी में वैल्यू निकाली जा सकती है। इस घड़ी की वैल्यू निकाली जा सकती है 10,000 रुपए। तो मनी के टर्म्स, मतलब रुपीज में हर एक चीज की वैल्यू निकाली जा सकती है। अब मुझे ये भी पता है तुम में कोई बिछड़ा आशिक बैठा होगा, नहीं सर कुछ चीजों की कीमत पैसों में नहीं लगाई जा सकती। तो सस्ते शाहरुख खान बनने की कोई जरूरत नहीं है, सब चीजों की लग सकती है। नहीं लग रही हो, अपॉइंट एन एक्चुअरी, जिन्होंने एक्चुअरियल साइंस करे थे वो उसकी भी लगाते हैं। एंड एट द सेम टाइम इट एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू। वरना ना ये प्रॉप्स में तुमसे इकट्ठे करता था, आज मुझे खुद इकट्ठे करके रखने पड़े। ठीक है, वैसे इकट्ठे तो नहीं करने पड़े, कल क्लास ले रहा था, सब चीजें मिली गई आसपास ही, तो वही चीज आज मैंने निकाल के रख ली थी, कल ढूंढनी पड़ रही थी। अब ये कितने रुपए का नोट है? 100 100 ठीक है। अच्छा तुमने कभी ऐसे करा है, ऐसे कीली 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 कीली? देखो हंसता है ये, सॉरी आई एम नो सर। कोविड से मैं पागल नहीं हुआ, कोविड नहीं हुआ मुझे, आई एम फाइन। ठीक है, घर में बंदा रह के मैं पागल नहीं हुआ, पहले से ही था। अच्छा अब ये 100 रुपए का नोट है, तो ठीक है इसे ना दिस इज स्टोर ऑफ वेल्थ। कैसे, मैजिक दिखाता हूँ मैं तुम्हारे को एक बार, ना मैं तुम्हारे सामने करता तो ज्यादा जेन्युइन लगता, अब तुम सोचोगे सर कैमरा की कोई गेम खेल रहे हैं। ठीक है, यू कैन सी दिस रजिस्टर। यस सर। ठीक है, तुम्हें तो पता ही मैं फ्रेंड्स का फैन हूँ, फोन भी मेरा फ्रेंड्स वाला ही होता है। ठीक है, रजिस्टर भी, टी शर्ट भी। अब मैं ना ये तुम्हारे सामने ये रजिस्टर खोल रहा हूँ, इसमें मैंने 100 का नोट रखा, रजिस्टर बंद कर दिया। ठीक है, कितने रुपए का नोट था? 100 का 100 का। ठीक है, नौ सीधा मैजिक, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है और। हाँ ठीक है, डरना मत, थोड़ा बहुत ही जादू टोना आता है, एक फूक मारो तुम लोग भी। ठीक है, अब तुम लोगों ने देखा था इसमें 10 रुपए का नोट था, मैंने 10 रुपए का नोट रखा था, एवरीबडी सॉ सर दैट। 100 का था। सर 100 रखा था। 100 था पक्का सर। ना, 100 था। पक्का सोच यस लो, सर। बाद में कोई बोलना नहीं, आपने 10 का ही नोट रखा था। ठीक है, 100 का नोट, नो 10 का नोट था कि 2,000 का नोट था? सर 100 का। पक्का श्योर, यस पकड़ोगे सर। तो नहीं, बाद में यस ये तो नहीं सर। कहोगे कि 2,000 का नोट था?
ऐसा कुछ तो नहीं कहोगे ना, ठीक है, 100 का नोट था, श्योर, ओके, मजा तो तब आता है किसी और का नोट, और तो मेरा अपना ही, वरना तो मैं कहता तो देखो अगर इसमें नहीं निकला तो मेरा, ठीक है, बट अब तो मेरा ही नोट है, मजा ही नहीं आ रहा, पिछली बारी तो मैंने ये एक्टिंग नहीं करी, ये अपना मैजिक करके नहीं दिखाया, बट आज मैं तो रजिस्टर भी तुम्हारा लेता था, तुम ये भी चेक करोगे सर का रजिस्टर है, ठीक है, हाथों का खेल होता है सारा का सारा। चलो अब देखते हैं कितने का नोट, ये अब आ रही है एक बच्ची, ये तो मिस ही कर गई, ठीक है, कहाँ गया ये, कितने का नोट है ये? 100 का ही। 100 का सर। कहते हैं बेटा स्टोर ऑफ वैल्यू, आप कोई भी फूफा फा जादू कुछ भी कर लो, 100 का नोट 100 का ही रहता है, वैल्यू डज नॉट चेंज, ठीक है। देखो मारने टमाटर मार लो, तुम्हारा लैपटॉप खराब होगा, मेरे तक नहीं पहुंच रहा टमाटर, ठीक है, गालियां दोगे पाप चढ़ेगा, अपने गुरु को गालियां दे रहे हो बोर्ड में, तुम्हारा पेपर मिस हो जाएगा, तो कुछ गालियां देने की जरूरत नहीं है। दिस इज स्टोर ऑफ वैल्यू, द 100 रुपी नोट रिमेन सेम 100 रुपी नोट, ठीक है, वैल्यू ऑफ द मनी डज नॉट चेंज। डेफिनेशन कॉपी कर लो, देखो जी सबसे पहले जो चलता था ना वो था बाटर सिस्टम। अब बाटर सिस्टम में क्या होता था, दैट इन बाटर सिस्टम गुड्स वर एक्सचेंज्ड विथ गुड्स, ओके, इन बाटर सिस्टम गुड्स वर एक्सचेंज्ड विथ गुड्स, ठीक है, इसे ना सीसी इकोनॉमी कहते थे, कमोडिटी कमोडिटी इकोनॉमी, ठीक है, इसका सीसी कॉलोनी से कोई लेना देना नहीं है, कमोडिटी कमोडिटी इकोनॉमी। अब ये सिस्टम ना बहुत ही बढ़िया सिस्टम था, बट ये ना डूब गया। अब ये क्यों डूब गया, क्योंकि सोचो अगर आज ये सिस्टम चल रहा होता, मेरे जैसा बंदा कहाँ जाता यार, मतलब हुआ गया, मान लो चल रहा है बाटर सिस्टम, फ्लैशबैक, मैं गया दूध लेने के लिए, मैं कहा भैया 3 लीटर दूध देना, कहता हाँ ठीक है दो, उसके बदले कुछ, मैं कहा डिमांड पढ़ा देते, कहता नहीं पढ़नी, मैं कहा नेशनल इनकम समझ लो, कहता नहीं, मैं कहा चलो फॉरेक्स बीओपी समझ लो, कहता नहीं, मैं कहा चलो लॉ के 2-4 सेक्शन बता देता हूँ, लॉयर भी हूँ, बैठो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा देते, डंडा दिखाने लग गया, मार के भगाया, पीछे टमाटर लेने के उसने तो 2 टमाटर फेंक के मारे, मैंने उसको बोला अभी मैं तेरे को बिजनेस फाइनेंस और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा देता हूँ, नहीं भैया हम जैसे लोग तो भूखे मर जाते, ठीक है। अच्छा फिर मैम भी अगर किसी को सर्विस दे रहा होता तो उसके बदले, अब तुम में से किसी के पेरेंट का वायर का काम है, बटनों का काम है, वो स्विचेस का, मैं इतने सारे स्विचेस क्या करूंगा, मैं अपनी वॉल स्विच वॉल थोड़ी बना दूंगा, तो कई जगहों पे ट्रांजेक्शन ही नहीं होती थी। चलो हो भी रही है ट्रांजेक्शन, हम सब चीजें एक्सेप्ट करें, मतलब आज तो क्या है कि हमने अपनी फीस फिक्स कर दी कि एक अमाउंट है, इतना अमाउंट फीस है, ठीक है, रुपीज में इतनी फीस है, पहले क्या फिक्स करते, फिर तो इतना बड़ा एक लॉग रखना पड़ता, लॉग बुक रखनी पड़ती, जिसमें अगर कोई टमाटर बेचता तो इतने किलो टमाटर, कोई टिंडा बेचता तो इतने टिंडे, कोई घिया बेचता तो इतने घिया, कोई दूध बेचता तो इतने लीटर दूध, कोई स्विचेस देगा तो इतने स्विचेस, कोई वायर देगा तो इतनी वायर, गीजर दोगे तो 6 गीजर, एसी दोगे तो आधा एसी, गाड़ी दोगे तो फिर 4 टायर ही दे देना, समझो कितनी दिक्कत हो जाती रेट फिक्स करने में, तो बड़ी दिक्कत थी। तो बाटर सिस्टम को कहा टाटा, आप क्या करें भाई, फिर आया कमोडिटी मनी, अमेजिंग मनी। अब कमोडिटी मनी क्या कहता कि ना कुछ चीजों को मनी मान लो, ठीक है, कुछ चिज्जी होती है ना, उन चिज्जियों को मनी मानना शुरू कर दो। अब ये क्या सीन है, कई जगहों पे सी शेल को मनी माना गया, समझ रहे, तो हर एक बंदा जो अपना प्राइस रख रहा है ना, जैसे आज रुपीज में रखता है, तब इन टर्म्स ऑफ सी शेल, हमने अपनी फीस रख दी 2000 सी शेल, ठीक है, ये बोतल मिल रही है 40 सी शेल, घड़ी मिल रही है 500 सी शेल, हर चीज सी शेल के बेसिस पे, ठीक है। कई जगहों पे दारू की बोतल हुई, इटली, सर वहीं जाना है सर, ऐसा होना चाहिए मनी, कुछ ना मिले तो मनी ही कंज्यूम कर लो, नहीं। कई जगहों पे गाय को मनी माना इंडिया में, कई जगहों पे घोड़ों को मनी माना अफगानिस्तान में, कई जगहों पे जेम स्टोन्स को मनी माना गया। ये सिस्टम बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही उमदा सिस्टम था, पर इसमें थोड़ी सी दिक्कतें थी। जब ट्रांजेक्शन बढ़ने लग गई तो सी शेल कहाँ से लाओगे, वो तो लिमिटेड है ना, नोट तो 9 सेकंड में छप जाता है, गाय छापने में तो 9 महीने लगते हैं ना, तो हो नहीं पाता, और आपका पैसा आपको रिटर्न भी देता अगर गाय में नहीं है तो, इन्वेस्टमेंट रिटर्न पैसे बढ़ गए पड़े पड़े विदाउट इन्वेस्टिंग। अच्छा जी, तो बंद कर दिया सिस्टम। फिर आया मेटेलिक मनी। अब मेटेलिक मनी
जैसे बोलते हैं, तुम्हें जैसा लगता है कि ये क्वाइंस जो होते हैं, दीज आर मनी, मेरे पास 20 का सिक्का है, ठीक है, तो दीज थिंग्स आर मनी, इन चीजों को मनी मानना शुरू कर दिया। पर मेरे को ना एक दिक्कत लगती थी शुरू से, मेरे को एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता था, और वो कॉन्सेप्ट क्या था कि वो दिखाते हैं पुराने टाइम पे ऐसे चमकते चमकते सिक्के होते हैं, ठीक है, इतनी बढ़िया बढ़िया अशरफियां होती हैं, मतलब वो सोने के एकदम पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं, बट पहले के टाइम पे कहाँ होते होंगे यार सिक्के, क्योंकि देखो पहले के टाइम में तोपे तो थी नहीं, ठीक है, तो सिक्के कहाँ बनते होंगे, ठीक है, मुझे थोड़ी सी ना इस बात से दिक्कत थी। गिव मी वन सेकंड, कैन यू सी दिस इमेज, इमेज दिख रही है? यस सर। इट्स वेरी माइथोलॉजिकल एक्चुअली। किसी ने लक्ष्मी माता को तो नहीं देखा, ये वाले देखा है, बट एक्चुअली वाली को तो नहीं देखा ना, थोड़ा टफ रहा होगा। अब क्या पता किसे पीछे हाथी थे, क्या पता घोड़े हो, क्या पता बंदर हो, कुछ भी लंगूर भी हो सकते हैं। वी आर वेरी रेसिस्ट इन सेलेक्टिंग द एनिमल्स आल्सो। अब आप देख रहे हो ये जो इनके पास एक सोने की परात पड़ी है, सी कॉइंस, इतने शाइनिंग शाइनिंग कॉइंस, कौन बना रहा था पहले, कौन सी फैक्ट्रियां लगी हुई थी? पुराने टाइम पे ना ऐसे एकदम बढ़िया सोने के सिक्के नहीं होते थे, ये बात मेरे को बहुत चुभती थी, क्योंकि कोई भी सीरियल वीरियल जहां से देखा हिस्ट्री के बारे में, तो वहां तो वही दिखा रहे, ठीक है, कि ऐसे सोने के सिक्के तो नहीं होते थे, क्योंकि सोने का सिक्का बनाने के लिए तो उसको शाइन देने के लिए अलॉयज बनाने पड़ते हैं, और क्या कहते हैं, नॉर्मल 24 कैरेट गोल्ड तो रुकता भी नहीं, तो पहले तो इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो फिर कैसे हुआ ये मेरे को हमेशा एक लगता था बात, ठीक है, तो ये मेरी चीज क्लियर होगी। मैं राजस्थान में एक दो म्यूजियम गया था, तो वहां मैंने देखा कि पहले के सिक्के कैसे होते थे, पुराने सिक्के पाए गए, तो सोने के या स्टील के टुकड़े होते थे ऐसे, ठीक है, जरूरी नहीं वो राउंड हो, वो स्क्वायर भी हो सकते, कुछ भी, उसके पास राजा की मोहर लगी हुई होती थी, ठीक है, तो वो सिक्का बन जाता था, ठीक है। मनी का बहुत बड़ा रोल था, मनी से ही पता चलता था हु वाज द किंग, ठीक है, जूलियस सीजर और ब्रूटस की कहानी पता होगी, तो सीजर, अब आज के टाइम पे तो सबको पता है कि हमारे देश में, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, गोभी जी चाय वाला, तो आज तो पता न्यूज में पता चल जाता है, पहले कैसे पता चलता था, पहले तो सिक्कों से पता चलता था, अच्छा इसकी फोटो है, ओ पहले दाढ़ी बनाना भी अलाउड नहीं होता, क्योंकि लोगों ने जब देखा जब ये बना था तो दाढ़ी नहीं थी, अब ये दाढ़ी है कोई दूसरा, फोटो में वैसे कौन सी किसी की शक्ल पहचानी जाती, तो जब सीजर मरा था ना, तो ब्रूटस ने सारे सिक्कों पे क्रॉस लगवाया था ताकि लोगों को पता चले दैट सीजर इज नो मोर। चलो हम थोड़ा सा इधर चले गए, जनरल नॉलेज पे वापस आते हैं। तो मेटालिक मनी में क्या दिक्कत थी, वो सिक्के टूट जाते थे, देवर ब्रिटल। फिर दूसरी वॉल्यूमनेस ट्रांजेक्शन, अब मान लो तुम मुझे पूरी फीस एक एक के सिक्कों में दे दो, मेरी तो पीठ टूट जाएगी उठाने। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे सबको याद है ना क्या हुआ था, वो पांच पांच और दस दस के सिक्कों में दे रहे थे बैंक पैसे, पैसे रिटर्न करके, ऐसे छोटी छोटी बोरियां बना रखी थी वो दे रहे थे, अब भैया कौन संभालेगा उन बोरियों को, ठीक है, पैसे देते हुए भी शर्म आ जाए, किसी से 5,000 का सामान लिया और रुको बैठो 1,000 सिक्के लो, 1, 2, 3, 4, 5, वो बहुत दिक्कत की बात, तुम भी मुझे फीस दे दो, मान लो एक एक दो दो के सिक्कों में, मना तो कर नहीं सकता कानून है, ठीक है, तो मैं बैठ के सिक्के गिन रहा हूँ, अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी, एक बच्चे ने मेरे से, चलो छोड़ो बाद में बताता हूँ। मेटालिक मनी, मेटालिक मनी की ये दिक्कत है आगे, तो फिर आया नया वाला मनी पेपर में, ठीक है, बहुत ही मजेदार मनी है ये वाला, बहुत ही लाइट वेट, इजी टू कैरी, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा मजा आता था बैच में पढ़ाने में इस टॉपिक को, मैं आप लोगों में से किसी से कोई नोट लेता था और फिर पेपर मनी में आपको बताता था कितना लाइट है, ठीक है, और अच्छे बच्चे बैठे होते थे, आ जाता था 500-2,000 का नोट, तो उसके बाद मैं कहता था इस नोट में क्या दिक्कत है, इस नोट में ये दिक्कत है, मेरे हाथ में तो मेरा, तुम्हारे हाथ में है तो तुम्हारा, जिसके हाथ में होता है ये उसका होता है, इसमें ये गेम है, ठीक है, तो कोई अगर तुमने मुझे पकड़ाया, मैंने जेब में डाल दिया, मेरा, नोबडी कैन प्रूव इट इज योर्स, कैमरा में भी दिख रहा होगा तब भी नहीं, वाई, तुमने मुझे खुद दिया ना, मैंने चोरी थोड़ी करा, तो पेपर मनी में ये दिक्कत है, तो पेपर मनी को हटाया गया, पेपर मनी के हटाने के बाद बैंक मनी आया, बैंक मनी क्या होता है, दीज आर बैंक मनी, ओके, दीज क्रेडिट कार्ड, एटीएम, पेटीएम, ये सब बैंक मनी में आ जाते हैं। अब बैंक मनी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही यूजफुल है, लास्ट ईयर तो पता ही चला हमें कितना यूजफुल है, सारी फीसेस एंड ऑल दैट सब बैंक मनी से आ जाती थी, ठीक है, दिस इज बैंक मनी, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दो, ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर हो जाता है, तो बैंक मनी इज दिस, तो दिस इज द वे हाउ द मनी इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, प्लीज कॉपी दिस।
अब लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी क्या होती है? इट मींस मनी एज पर द लॉ ऑफ द लैंड. अच्छा हम कौन सी कंट्री में रहते हैं बच्चों? सर इंडिया. व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं भी इंडिया में ही रहता हूँ. ठीक है, लॉ ऑफ लैंड. तो लैंड का मतलब यहाँ पे हो गया इंडिया. ठीक है, कि बेसिकली हम जहाँ रहते हैं ये इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया का लॉ चलता है. तो एज पर इंडियन लॉ मनी क्या है? रुपीस. ठीक है, तो द गवर्नमेंट इश्यूज एन ऑर्डर स्टेटिंग व्हाट इज मनी एंड व्हाट इज नॉट. गवर्नमेंट जिसको कह दे, अब क्या है ये, क्या गवर्नमेंट ने कह दिया मनी है, कैसे कैसे नोट निकाल रखे हैं, नीले पीले हरे पॉटी वाले कलर वाले, मनी है. ठीक है, जिसको मना कर दे कि ये चीज मनी नहीं है तो मनी नहीं है. रिमेंबर दिस. डू यू रिमेंबर दिस? ऐसा कुछ होता था? यस सर. ये हमारा क्यूट सा नोट होता था. ठीक है, ऐसे कुछ रह गए मेरे चेंज होने गलती. ठीक है, बड़े दुख हुआ था बाद में मिले थे. तो अब ये चीजें जो गवर्नमेंट जिन चीजों को कह देती है कि मनी है, सो दे बिकम मनी. ठीक है, और जिनको मना कर देती है वो मनी नहीं रहते. अब हुआ था ना 8 नवंबर 2016 हमारे प्रधानमंत्री जी 2 पैक डाउन हो गए और रात को आके कुछ भी बड़बड़ा दिया कि आज रात 12 बजे से ये नोट ही नहीं है. ठीक है भैया, तो दैट इज नॉट मनी. ठीक है, तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या मनी है क्या नहीं है. जिसको गवर्नमेंट कह देती है दैट बिकम्स लीगल टेंडर मनी. इसे फियट मनी भी कहते हैं. फियट का मतलब होता है ऑर्डर, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है क्या, कागज का टुकड़ा ही तो है. सरकार कह रही है तो है पैसे, सरकार कह देती है ये कागज का टुकड़ा पिंक से कलर का 2000 रुपए का, समझ रहे. ठीक है, तो है भैया द लीग. ठीक है, द लीगल टेंडर स्टेटस इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू मनी, मे बी लिमिटेड और अनलिमिटेड. लिमिटेड का मतलब होता है जैसे 1 रुपया होता है ना, 1 रुपए के कॉइन में आप 1000 रुपए तक की पेमेंट कर सकते हो उससे ऊपर, पर उससे ऊपर के जितने भी कॉइन है जितनी मर्जी पेमेंट करो, दे आर अनलिमिटेड. यस अजय जैन. चलो मेरा मिस हो गया सर, नेट ऑफ हो गया था. ओके ओके, देखो लीगल टेंडर, अभी दोबारा समझाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ. नॉन लीगल टेंडर मनी, नॉन लीगल टेंडर मनी होता है जिसको सरकार ने मनी नहीं कह रखा, जिसको सरकार ने मनी नहीं कह रखा बट उसे मनी की तरह ट्रीट कर लेते हैं. जैसे चेक, अब आपने मुझे चेक दे दिया तो ये मेरी मर्जी है मैं लूं कि नहीं लूं, इट इज ऑन माय विल कि मैं चेक को एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं. ठीक है, तो चेक इज नॉन लीगल टेंडर मनी, क्योंकि चेक जो है सरकार ने नहीं कहा, वो मैं आप पे ट्रस्ट करूं. ठीक है, आप मुझे चेक दे दो, गोल्ड दे दो, ठीक है, या कोई बिल रिसीवेबल दे दो, तो ये चीजें जो हैं ये मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूं तो ले रहा हूं. ठीक है, ये मेरी मर्जी है, मैं मना कर सकता हूं. कई लोग इस बात को नहीं समझ पाते. ये जो नॉन लीगल टेंडर मनी होता है ना, इट इज फिड्यूशरी मनी. ये हम फिड्यूशरी का मतलब होता है ट्रस्ट, हम ट्रस्ट पे ले रहे हैं. तो कई लोगों को ये बात यकीन नहीं होती कि ऐसा ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप चेक को मना कर सकते हो. बिल्कुल मना कर सकते हैं सर, कानून ने नहीं कहा. ठीक है, अब मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई मींस टोटल मनी अवेलेबल विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. की आज 4 मई 2021 4:48 तक कितना पैसा लोगों के पास अवेलेबल है, दैट इज मनी सप्लाई. ठीक है, कि इस वक्त जितना भी पैसा लोगों के पास होगा ना, जितने भी हिंदुस्तानी, वो सारा का सारा. इसे कहा जाता है दैट इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट. देखो जी, मनी सप्लाई मीन्स अ टोटल मनी अवेलेबल विद द जनरल पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. कि अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम की अगर हम अभी चेक करें कि अभी राइट नाउ करंटली. एक्सक्यूज मी सर. हां जी सर, आई गॉट डिस्कनेक्टेड, कैन यू रिपीट दिस? आई एम रिपीटिंग इट बेटा, आई एम रिपीटिंग. तो मनी सप्लाई का मतलब कि जो टोटल मनी लोगों के पास अवेलेबल है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, आज 4 मई को 4:50 पे कितना पैसा लोगों के पास अवेलेबल है, तो वो जितना भी पैसा लोगों के पास अवेलेबल है दैट टोटल मनी इज मनी सप्लाई. ठीक है, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. अब स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? देखो दो टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं, स्टॉक और फ्लो. स्टॉक मेजर करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, फ्लो मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, जैसे स्टॉक कॉन्सेप्ट की, जैसे फ्लो कॉन्सेप्ट बताता हूँ.
कि तुमने पूरे साल में 10 लाख रुपए कमाए, पूरे साल के दौरान तुमने 10 लाख रुपए कमाए, तो ये है फ्लो कॉन्सेप्ट। और स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि तुम्हारे पास अब उस 10 लाख में से कितने बचे, कि तुम्हारे पास अभी 2.5 लाख रुपए बचे, तो दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्टॉक कॉन्सेप्ट अभी, ठीक है। तो इसमें हम यही देखते हैं कि अभी कितना पैसा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा है, तो दैट इज मनी सप्लाई, ठीक है। ये दोनों डेफिनेशंस उसकी दी हुई है, जल्दी से कॉपी कर लो। सर एक बार स्टॉक कॉन्सेप्ट दोबारा बताना। तो अब वो हमसे कहने लगे कि सर मनी सप्लाई निकलती कैसे ये बताओ। मैं कहा बता देते हैं क्या दिक्कत है। तो मैं कहा लिखो। मैं कहा मनी सप्लाई यानी कि मनी सप्लाई कैलकुलेट करनी है कि देश में कितना पैसा लोगों के पास है, तो ये होता है सीसी। कहते सीसी क्या होता है। मैं कहा सीसी यानी करेंसी। कहते सर करेंसी क्या होती है। मैं कहा करेंसी यानी कि नोट और कॉइन्स। कॉइन कहाँ गया, कॉइन, नोट्स एंड कॉइन्स, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए, सारे के सारे। कहता वो, मैं कहा डीडी कहाँ, दीदी बंगाल में। अरे मैं कहा वो दीदी नहीं भैया, निकाल दे, हार गया तू। डिमांड डिपॉजिट। अच्छा का ये क्या होता है। मैं कहा ये ऐसे डिपॉजिट होते हैं जो हम बैंक में डालते हैं और हम जब मर्जी चाहे तब निकाल सकते हैं। कहता वो तो बैंक में डाले हुए सारे पैसे निकाल सकते हैं। मैं कहा नहीं बेटा, एफडी में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती है, एफडी नहीं निकाल सकते इतनी आराम से, ठीक है। और मैंने कहा ओडी। कहता ओडी नहीं, ओ दीदी। अरे मैं कहा भाई हार गया बंगाल, तू छोड़ दे उसको, ओडी यानी अदर डिपॉजिट। कहता अब वो क्या होता है। मैं कहा वो अदर होता है। कहते क्या होते हैं। मैं कहा दीज आर दी डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई फॉर वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक। कहता हाँ तभी मुझे पता नहीं, मैंने जनरल पब्लिक का वेलफेयर करा नहीं ज्यादा। मैं कहा हाँ, तो सीसी डीडी ओडी। अब मैं ये बता रहा था, उसने लिखी और छपवा दी डेफिनेशन, कहता करवा दी मैंने मित्रों। मैंने कान के नीचे बजाई दो चंटी। मैं कहा बात पूरी हुई थी मेरी। कहता क्या गलती रहेगी। मैं कहा ये डेफिनेशन 1979 में लिख रहे हैं हम, ठीक है। मैं कहा अब जो लोग होते हैं ना पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा कराते हैं 1979 में। कहता ओ। मैं कहा हाँ। मैं कहा पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट कौन लेगा, इतना पैसा पोस्ट ऑफिस में भी पड़ा है लोगों। तो उसने लिखवा दी M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। कहता करवा दी। मैंने कान के नीचे एक और चंटी मिलाई। मैं कहा मेरी बात खत्म हुई थी। कहता हो तो गई थी। मैं कहा नहीं, मैं बोल रहा था आई हैव टेकन अ पॉज। कहता ओ। कहता अब क्या रहेगा। मैंने कहा नेट टाइम बैंक डिपॉजिट। कहा ये क्या होता है। मैं कहा एफडी। कहता मैं नहीं खेलूंगा। मैं कहा चल निकल फिर। कहता आपने कहा था पहले एफडी नहीं आती। मैंने कहा एफडी भी आती है क्योंकि अब जो है कानून अच्छे हो गए हैं, आप एफडी के पैसे भी निकाल सकते हैं। अगर आप एफडी के पैसे निकाल दो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई पेनल्टी नहीं लगती, सिर्फ और सिर्फ उस क्वार्टर का इंटरेस्ट नहीं मिलता, बस जिस क्वार्टर में पैसे निकाल रहे हो दैट्स इट, और कोई नुकसान नहीं होता आपका, सिर्फ उस क्वार्टर का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता। कहते ठीक है, फिर वो भी लिख दी। पर इसने ना गलती कर दी, क्यों, संगी इंसान है, ठीक है, चाय फूकता है। अब गलती क्या करी देखो जरा डेफिनेशन में, कोई बच्चा बताओ क्या गलती कर दी इस मित्रों ने, कोई बताओ। M2 था M1 प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, और इन्होंने M3 लिख दिया M1 प्लस नेट टाइम बैंक डिपॉजिट। बताओ गोभी जी ने क्या गलती करी। कोई नहीं बताया। हाँ वेरी गुड। ये कौन है, कॉमन सेंस वाला बंदा कौन था ये। हाँ गुड, वेरी गुड मित्र। हाँ बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। M1 की लाइन भी लगा रखी है मैंने। M2 आना चाहिए था। M2 ना आने की वजह से कौन सी एक चीज रह गई, चलो अब ये भी बताओ, कोई और कॉमन सेंस वाला बच्चा। सर पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। फिर मैंने क्या किया, मैं इधर आऊ, मैंने एक बजे यहाँ से, एक बजे यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, पूरा देश खुश हो गया। मैंने कहा मैं लिखूंगा डेफिनेशन। मैंने लिखा M3। M3 में M1 आ गया। M1 में क्या क्या होता है, CDDOD, ठीक है। नेट टाइम बैंक डिपॉजिट आ गया। क्या रह गया था, पोस्ट ऑफिस। मैंने लिख दिया टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक ऐसे डिपॉजिट होते हैं जिनमें से पैसे आप निकाल नहीं सकते, ठीक है। ये भी पोस्ट ऑफिस के अंदर ही होते हैं, ये पैसे आर्मी को जाते हैं। तो इनमें से पैसे बीच में, इनकी जैसे टर्म है 5 साल की,
तो उन 5 साल से पहले आप नहीं निकाल सकते। इनका सिस्टम बताता हूँ, 5 साल तक पैसे जमा कराने होते हैं, 6ठे साल पैसे मिलते हैं, पर बीच में पैसे निकालना अलाउड नहीं है। तो अगर उसमें पैसे डला हुआ है और वो निकाल ही नहीं सकते, तो फिर वो लिक्विड तो हुआ ही नहीं ना, वो तो आपके हाथ में है ही नहीं, हटा दो उसको। तो एक्सक्लूडिंग NSE नेशनल सेविंग ठीक है।